हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोर न्यू अपडेट्स को लेके जो कि अपकमिंग बाइक्स के ऊपर हैं। पहला जो अपडेट है वो है रॉयल एनफील्ड की 650 क्रूजर को लेके, जो कि आपके सामने देख ही रही है इमेज। एंड दूसरा जो है वो है हंटर को लेके भी कुछ नया अपडेट आया, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एंड दोस्तों, तीसरा जो अपडेट है वो है 650 हिमालयन को लेके, जिसका अभी इमेज जो है 450cc का हिमालयन जो है, इनमें क्या चेंजेस हुआ वो बताऊंगा। एंड साथ ही साथ मीटियोर के जो नए कलर्स हैं वो कब लॉन्च होने वाले, वो भी अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं, जो हॉट टॉपिक है वो है रॉयल एनफील्ड का शॉटगन 650। दोस्तों, शॉटगन 650 जो है अगेन स्पॉट हुआ है। ये रॉयल एनफील्ड का जो टेक्नोलॉजी सेंटर है यूके में, वो प्रॉबेबली वहाँ पे जो है इसकी टेस्टिंग जो है वहाँ चल रही है। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से ऊपर हो गए होंगे इसकी टेस्टिंग देखते देखते। एंड अब जो है फाइनली ये जो है प्रोडक्शन रेडी हो रहा है मॉडल। एंड मॉडल के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल देता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ लॉन्च और बाकी डिटेल के बारे में। तो 47 HP का पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 52 Nm का टॉक है, सेम 650cc का पैरेलल ट्विन इंजन मिलने वाला है। ड्यूल एग्जॉस्ट जो है वो अभी थोड़ा स्ट्रेट कर दिए हैं, बाकी पहले जो थे वो अपसेट थे तो अभी स्ट्रेट कर दिए हैं। फ्रंट में जो है 19 इंच का व्हील है और रेयर में जो है 16 इंच का व्हील है, जिसकी वजह से थोड़ा क्रूजर जो है आपको मिलेगा। लोअर सिटिंग हाइट जो है वो देखने को मिलेगा। 5 spokes अलॉय व्हील जो है इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। USD फोर्क जो है फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड इसी मॉडल में लॉन्च करने वाला है। ड्यूल रेयर शॉक अब्जॉर्बर जो है आपको मिलने वाले हैं। अभी जो है प्रॉपर सिर्फ जो बेसिक टेस्टिंग्स है ना वो चल रही हैं, ऑलमोस्ट बाकी सभी टेस्टिंग जो है रॉयल एनफील्ड ने खत्म कर दी गई। और तो अभी प्रोडक्शन में जल्दी ही आ जाएगी, एंड कहा जा रहा है कि जुलाई मिड तक जो है ये मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो प्राइस टैग रहने वाला है वो 374-375 के आसपास जो है इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है। एंड एक चीज़ और, इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आने वाले हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन जो हैं क्रूजर 650 में क्रिएट किए जाएंगे। हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम वेरिएंट जो हमने इसमें देखे हुए हैं, सुपर मीटियोर जैसा लग रहा है, शॉटगन जैसा लुक लग रहा है, थोड़ा बहुत किसी किसी मॉडल में क्लासिक का लुक भी आ रहा है। तो मल्टीपल जो है इसके वेरिएंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। हंटर 350 की नई वीडियो जो है हमको देखने को मिल रही है, जो कि मोटर बीम ने शेयर किया है दोस्तों। एंड ये ट्रैफिक में जो है वो देखने को मिल रही है। रेयर का पार्ट जो है हंटर का वो ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है, लुक जो इसका जो रेयर से देखने को मिल रहा है वो कुछ थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। नई नई टेस्टिंग जो है इसके ऊपर देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये मॉडल थोड़ा सा जो है अब CB350 RS जैसा जो है लुक इसका रेयर से अब देखने को मिल रहा है। एंड अब लॉन्च के लेके बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लॉन्च कब तक होने वाला है। तो दोस्तों, ये ईयर एंडिंग के आसपास ही जाने वाला है, नवंबर के आसपास जो है इसका लॉन्च जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्राइस रेंज जो है थोड़ा सस्ता कहा जा रहा है कि अब ये मॉडल जो है 1.70-1.80 lakhs के आसपास एक्स शोरूम प्राइस जो इसका रहने वाला है। एंड लुक वाइज देख के भी लग रहा है कि हाँ थोड़ी बाइक सस्ती होने वाली है, बट अभी ये फाइनल लुक नहीं है। ऑलमोस्ट 1.5 साल से जो है इसके हम स्पाई इमेजेस देख रहे हैं, बट अब थोड़ा क्लियर हो रहा है कि हाँ थोड़ा लुक जो है अभी थोड़ा ये होंडा के सामने ही जो है रॉयल एनफील्ड इस बाइक को उतारने वाली है। एंड मार्केट में थोड़ा सा जो उस सेगमेंट में जो है स्क्रैम्बलर सेगमेंट में जो है हल्का सा इसको लेके जाएगी, थोड़ा स्पोर्टी लुक जो है रॉयल एनफील्ड बाइक जो है अब देंगी। सेम मीटियोर का इंजन इसके अंदर रहने वाला है। तो कैसा लगता है आपको मॉडल, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। एक और नया अपडेट है दोस्तों, वो है 650cc के मॉडल को लेके, जो कि अभी नई मॉडल जो हिमालयन के स्पाई हुई थी, जो कि 450cc मॉडल था। अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हिमालयन 650 है वो लॉन्च होगी या नहीं होगी। दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अभी पहले कहा जा रहा था कि यूके फैसिलिटी में जो है 650cc हिमालयन का जो है टेस्टिंग चल रहा है वो रॉयल एनफील्ड साइलेंटली कर रही है, बट ऐसा कोई अभी खुलासा नहीं हुआ है, अपडेट भी नहीं हुआ है। कोई स्पाई इमेजेस जो हमको 650cc हिमालयन को लेके नहीं देखने मिल रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि रॉयल ने इसका प्लान जो है वो ड्रॉप किया है। ऐसा कोई भी प्लान जो है अभी रॉयल एनफील्ड वर्किंग नहीं कर रही है। अभी जो मेन फोकस चल रहा है वो 450cc हिमालयन पे चल रहा है, जो कि रॉयल एनफील्ड निकालना चाहती है KTM के ऊपर। एडवेंचर का जो एडवेंचर टूरर जो एंट्री लेवल बाइक है, उस सेगमेंट को थोड़ा रॉयल एनफील्ड जो है कैप्चर कर रही है 650cc में। कोई भी अभी डिफरेंट बाइक जो है क्रूज 650 के अलावा कोई भी मॉडल जो है लॉन्च नहीं होने वाला है। तो रॉयल एनफील्ड अभी मेनली टारगेट कर रही है कि वो थोड़ा सा एक एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक बनाए, जिसका लुक जो हो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो। एंड लुक आपको पहले मालूम है कि थोड़ा सा ये टाइगर जो है ना, टाइगर का लाइट वर्जन जो है वैसा लुक जो है लग रहा है। एंड कई हद तक जो है बाइक वाला ने इसका इमेजेस भी दिए हुए थे, मैं आपको आगे शेयर करूँगा वो चीज़। एंड लुक वाइज बाइक बहुत ही सही लग रही है। अभी अगर लॉन्च होती है
तो बहुत ही सारे राइडर्स को जो है एक नया ऑप्शन जो है वो क्रिएट होगा। एंड दोस्तों ये जो लॉन्च है इस बाइक का वो नेक्स्ट ईयर में आपको मिड तक जो है इस मॉडल का लॉन्च आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों इसका प्राइस जो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, बिकॉज पे अभी सिंगल स्पाई इमेजेस ही आई है, बाकी कोई भी अभी प्राइस पे जो है मतलब एक्सपेक्टेशन जो है अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। बट हाँ एक चीज़ है कि रॉयल एनफील्ड ऐसी बाइक पर वर्किंग कर रहा है एंड एडवेंचर बाइक के सेगमेंट में भी अपना हाथ जो है जमाने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है दोस्तों, एक नया ऑप्शन जो है क्रिएट हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट अपडेट जो है वो है नए मीटियोर्स के कलर्स को लेके एंड क्लासिक के कलर्स को लेके, ये दोनों को लेके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों मीटियोर के एक कलर जो आपने सामने देख लिया है जो कि फायरबॉल में ब्लू कलर है, एंड इसके बाद फायरबॉल में एक और कलर है जो कि मैट में है, मैट ग्रीन जो है वो देखने को मिलेगा, एंड एक और कलर जो है इसके बाद सुपरनोवा में हम देखने वाले हैं जो कि सुपरनोवा रेड रहने वाला है। स्टेलर में मीटियोर के कोई भी कलर नहीं आने वाला है, टोटल 3 कलर्स का अपडेट है। अगेन बोलता हूँ, जो अपने आप सामने देख रहे हैं ब्लू एंड उसके बाद एक ग्रीन आने वाला है वो मैट में रहेगा, वो भी फायरबॉल में ही है, एंड सुपरनोवा में जो है आपको रेड कलर जो है वो लॉन्च होने वाला है, एंड ये 22 तारीख को लॉन्च होना है, 2022 को जो है आपको अप्रैल में ही देखने को मिलेगा, तो हाल फिलहाल में ही अभी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अभी तक जो है क्लासिक का कलर को लेके, कलर्स को लेके कोई भी अपडेट नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन कहा जा रहा है, तो एक्सपेक्टेशन पर भी हम बात नहीं करेंगे, बट जैसे ही उसका अपडेट आता है क्लासिक को लेके तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यही इतने सारे अपडेट्स जो मैंने सोचा कि आपको लिए सारे अपडेट्स का एक वीडियो बनाता हूँ और आपको देता हूँ। कैसा लगा आपको अपडेट वो जरूर मुझे शेयर करेगा, एंड आपको कौन से बाइक का वेट कर रहे हैं वो भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करेगा। एंड यहाँ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लड ग्रुप, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाय।